नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप महिला उद्यमी योजना का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, अगर बिहार से हैं तो महिला उद्यमी योजना के लिए आप 2022 में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में ये गवर्नमेंट एक लिस्ट जारी किया है। इसमें ये इन्होंने ये बताया है कि कितना कितना राशि को खर्च किया जाएगा, यानी वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में राज्य के महिलाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अंतर्गत 250 करोड़ की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा 82.50 करोड़ की विमुक्ति के संबंध में यहां पे राशि दिया गया है। वेटिंग लिस्ट वाले भी नया जो आएगा उसमें वेटिंग लिस्ट वाले को अप्लाई करना है, समझ रहे हैं? हाँ, वो उम्मीद नहीं करना है, उस पर नहीं होगा जी। यहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर देखिए। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है क्या महिला उद्यमी योजना। आज के वीडियो में टोटली मैं महिला उद्यमी पर ही मैं बात करूंगा। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में राज्य के महिलाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अंतर्गत 250 रुपया की निकासी किया जाएगा और इसमें इतना खर्च किया जाएगा। इसमें आपको मैं बता दूं, महिला उद्यमी योजना में कि ब्याज मान लेते हैं कि लगेगा कि नहीं लगेगा, तो महिला कोई भी महिला हो ब्याज नहीं लगेगा, ये इतना क्लियर कर लीजिए, समझ रहे हैं? इसके बाद कितना राशि दिया जाएगा, तो अब जो है प्रोजेक्ट के अनुसार दो भाग में बांट दिया है। एक हो सकता है आपका उद्योग क्षेत्र में होगा, एक आपका बिजनेस सेवा क्षेत्र से होगा। तो सेवा क्षेत्र में 10 लाख से कम राशि दिया जाएगा और उद्योग क्षेत्र में तो टोटली 10 लाख की राशि दिया जाएगा। तो ये आपका वहाँ पर बिजनेस है, बिजनेस के अनुसार वहाँ पर एक लिस्ट जारी किया गया है, वो लिस्ट आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में जाकर के जो BST ऑल टिप चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा कि किस प्रोजेक्ट में कितना राशि आवंटित किया जाएगा, वो मैंने वीडियो बनाकर रखा है या PDF आप टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 10 लाख उद्योग में होगा तो 10 लाख मिलेगा, तो 10 लाख के 5 लाख आपका माफ रहेगा, 5 लाख का आपका 84 किस्त में ये पैसा आपको चुकाना है। और ये ब्याज महिला से है, कोई भी कैटेगरी से महिला है तो ब्याज आपको नहीं देना है। इसके बाद आपका है मान लेते हैं कि अगर 6 लाख है तो 6 लाख के 3 लाख माफ हो जाएगा, 3 लाख पर आपका ब्याज लगेगा। अब ब्याज कब से शुरू होगा, जब आपका 6 लाख रुपया आपका हाथ में आ जाएगा तो उसके 1 साल के बाद आपको 7 वर्ष में 84 किस्त में लौटाना है। एक मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर जो 25,000 रुपया दिया गया है ना, तो 25,000 रुपया ये आपको नहीं देगा, मात्र आपको 5,000 रुपया 5,000 आपका खाता में आएगा। जब ट्रेनिंग आपका हो जाएगा तो ये अलग से देगा ट्रेनिंग का। इसमें अब ज़्यादा बात तो है नहीं आपके लिए, यही जो देख रहे हैं महिला उद्यमी योजना पर है। यहाँ पर विशेष आपका और जानकारी आपको लेना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा मिल जाएगा आपका लॉगिन पंजीकरण, ये सब पंजीकरण पर आप जाएंगे। पंजीकरण पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका जब जुलाई के कब आएगा, ये को आपका प्रश्न होगा कि उद्यमी योजना जो महिला के बारे में आप भरना चाहिएगा तो इस समय जो है कब आएगा। तो देखिए, तो मेरा मानना है कि जुलाई लास्ट यानी अंत तक आने की उम्मीद है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो ऐसा जो हम मैंने अभी बताया था तो वो वाला मई में आया था, और इसके बाद 18 जून से 2021 से 22 वाला का एप्लीकेशन शुरू हो गया था ऑनलाइन। तो उसी तरह से अभी यहाँ पर मैं बता दूं, जून है ना, तो एक माह मान लेता हूँ जुलाई, क्या तो जुलाई के अंत और अगस्त के फर्स्ट वीक में जब आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा,
तो उसमें आप एक बार ये देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर बहुत सारा परियोजना के सूची दिया हुआ है। परियोजना के सूची में जाकर के इसमें देख लीजिएगा कि अगरबत्ती है, ये सब है, कौन कौन आपका किस क्षेत्र आपका बिजनेस करना चाहिए या कौन क्षेत्र में, ये बहुत सारा आप यहाँ पर है, 102 है टोटलिंग। तो इसमें से जो भी आपका सूट कर रहा है, आपको लगता है कि इंटरेस्ट है कि मैं ये बिजनेस करूँगा। वैसे महिला लोग ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर में है, और कोई जरूरी नहीं है कि हर महिला को ब्यूटी पार्लर अच्छा लगता है क्या। तो ब्यूटी पार्लर में है कि आप जेंट्स उतना नहीं ना अति कर सकते हैं, हो सकता है कि आप मान लेते हैं कि कोई अपना हस्बैंड है, अपने वाइफ के नाम से खुलवाना चाहता है, कोई सिस्टर के नाम से खुलवाना चाहता है क्या। तो क्योंकि एक यहाँ पर आपका होना चाहिए क्या कि 18 साल से लेकर के उम्र सीमा है 18 से 50 साल है, और न्यूनतम योग्यता की मैं बात करूँ, न्यूनतम योग्यता की मैं बात करूँ तो कितना है, इंटर होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, तभी आप इसमें में भर सकते हैं। अब इसमें जो है ना, बहुत से मानते हैं आपके गांव में जो है ना दलाल सब घूमता होगा, ये महाराजा यदि बिजनेस करना चाहिएगा 10 लाख रुपया हम आपको दिलवा देंगे, हाँ ऐसे ही बोलेगा कि 10 लाख रुपया जो है ना हम अति दिलवा देंगे, आप पूरा डॉक्यूमेंट ले लेगा, ओनली फॉर ऑनलाइन कर देगा, हो गया तो ठीक है, न हुआ तो उसके पचे पचे बुआते रहिए। अरे क्यों पचे पचे बुआएंगे भाई, आप जब हम मान लेते हैं कि BST ऑल टिप से जुड़े हैं तो आपको इतना तो फायदा मैं आपको दिला दूंगा, खुद अपने से हो कहीं नहीं, आपके पास स्मार्टफोन होगा, मोबाइल से खुद अपने से ऑनलाइन कर देना है, और जैसे जैसे लिस्ट आएगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे होगा, पूरा सारा चीज़ आपका यहाँ पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से आपका मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जा कर के आप देख लीजिएगा एक बार, जो भी है यहाँ पर होम पेज में जाना है, यहाँ से आपका सारा चीज़ यहाँ पे दिया है, सब चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कितना लगेगा, जातीय बस से क्या चीज़ लगेगा, ये सब सारा चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बढ़िया से पढ़ने के बाद आपका खुद से करना है, एक भी रुपया किसी को नहीं देना है, इतना समझिए, क्योंकि अभी उद्योग मंत्री कौन है, शाहनवाज हुसैन है, और एकदम फॉर्म में है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस के भ्रष्टाचार की करप्शन की बात कर रहे हैं, यानी एक भी रुपया नहीं। प्रीवियस ईयर में भी बहुत से दलाल जो है ना इसके चक्कर में पड़ते बोवाते रह गया है, इसलिए इसमें दलाल का कोई यहाँ पर चारा नहीं चलने वाला है। ओके, अगर महिला उद्यमी से है तो ऑनलाइन के साथ साथ आपको दस्तावेज कौन कौन लगेगा सो देखिए, अस्थाई निवास होना चाहिए, जन्म प्रमाण मैट्रिक का होबे करेगा, इंटर का होबे करेगा, इसके बाद जाति महिला के मामले में पिता के नाम से होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से महिला का शादी हो जाता है, शादी होने के बाद क्या है कि वह जो जाति आवासीय है अपने हस्बैंड के नाम से बनवा लेते हैं, तो इनका क्लियर कर दिया है कि नहीं हस्बैंड के नाम से नहीं बनवाना है, उनका जो फादर है फादर के नाम से बनवाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब लगेगा, और आपका हाल ही का फोटो होना चाहिए, जब अपलोड करते समय सिग्नेचर होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए कि कब आप खाता खुलवाए हैं, और ये रद्द किया हुआ चेक होना चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए, ये इतना चीज़ आपका होगा। और अप्लाई कर देना है, अप्लाई करने के बाद इसमें क्या होता है कि अप्लाई जब होगा तब फाइनलिस्ट जारी होगा, तब ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद आपका पैसा आएगा। इसमें अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो इसमें धैर्य के साथ आपको आना पड़ेगा, यूँ से आइए अति अप्लाई किए अब बस 10 दिन के बाद पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कम से कम आपका साल 1.5 साल आपका बर्बाद कहिए चाहे आबाद कहिए, लेकिन 1.5 साल मिनिमम 1.5 साल आपको लगना है तो लगना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।